टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि 36 घंटे का मेगा ब्लॉक किया गया है क्योंकि पांचवी और छठवीं लाइन का जो है काम चालू है। इसलिए जो है मुंब्रा से जो मुंबई की तरफ सफ़र करने वाले लोग हैं, मुंबई की तरफ अन्य इलाकों में जाने वाले लोग हैं, उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है मुंब्रा से बसों का जो है बंदोबस्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड से ये बसें जो है चलाई जा रही हैं। ऐसी दीवा से और मुंब्रा से काफ़ी बसों का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जो परिवहन समिति सदस्य है शमीम खान, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और इसके अलावा टीएमसी के जो है शशिकांत धात्रा, जो डिपोटी ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, वो यहाँ पर भी आए थे। इस दौरान हमने जो परिवहन समिति सदस्य शमीम खान है उनसे भी बातचीत की है और जो शशिकांत धात्रा है इनसे भी बातचीत की। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो है बस लगातार यहाँ से चल तो रही है, लेकिन जिस तरह से शिकायतें सामने आ रही हैं कि आगे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगाया जाता है कि ये बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस तरह की जो है लापरवाही सामने आ रही थी कि वो बोर्ड लगा नहीं हुआ था, जिसमें शमीम खान ने कड़ा एतराज़ जताया और ऐसे कई कंडक्टर और बस ड्राइवरों की शिकायत भी की है। बहरहाल इस दौरान हमने जो बात की, जो टीएमटी के अधिकारी थे उनसे भी बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों की मांग को लेकर शमीम खान ने जिस तरह से आंदोलन भी किया था उसमें भी बातचीत की है। और जिस तरह से मुंब्रा से जो बस चलाई जा रही है इस 36 घंटे के जो है मेगा ब्लॉक के दरमियान, ये बसें कहां से कहां तक चलेंगी, इस पर जो है परिवहन समिति सदस्य शमीम खान ने क्या कुछ जानकारी दी है और जो शशिकांत धात्रा हैं उन्होंने भी क्या कुछ बताया है, सुनिए। शमीम भाई, 36 घंटे का जो है मेगा ब्लॉक किया गया है, इस दौरान मुंब्रा से जो टीएमटी की बसें हैं ये कहां से कहां तक की चलाई जाएंगी और कितनी बसें चलेंगी? देखिए, जिस तरीके से आज दोपहर 2 बजे से संडे की रात 2 बजे तक यानी 36 घंटे का मेगा ब्लॉक किया गया है सर, उसको हमें इन्फॉर्मेशन थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने इसके बारे में सूचना हमें दे दी थी कि आपको इसके लिए शहर में दीवा से, मुंब्रा से, कलवा से लोगों को परेशानियां ना हो, इसके लिए आप शमीम खान आप बात करो, आपके जो टीएमटी के जो प्रबंधक लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, आप उनसे बात करके आप बसेस का जो है वहाँ के लिए चालू कराने की बात कर लो। ये आदेश हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब का मुझे आया था और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धात्री जी यहाँ मौजूद हैं, 102 बसेस दीवा से चलाई जा रही है थाने रेलवे स्टेशन के लिए और हर 10 मिनट में चलाई जा रही है सर दीवा से, और मुंब्रा से जितने भी बस स्टॉप जहाँ पे भी हैं, आपके माध्यम से आवाम से कहना चाहता हूँ, आप अपने घर से निकले जहाँ पे बस स्टॉप है आप वहाँ रुक जाएं, बस आपको आगे ले करके जाएगी। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ट्रेन बंद है 36 घंटे के लिए तो हम मुंबई कैसे पहुँचेंगे, हम कैसे पहुँचेंगे हॉस्पिटल, आपको बस की सुविधा आपके लिए कर दी गई है। और मुंब्रा से ये जो थाने महानगर पालिका का जो मुंब्रा का अग्निशमन केंद्र है, फायर ब्रिगेड है, यहाँ बसेस खड़ी है सर, हर 5 मिनट के अंदर यहाँ से बस आएगी और आपको लेकर के जाएगी, और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टॉप मंदिर के पास है वहाँ आप भी रुक सकते हैं और आपको यहाँ से लेकर के बस मुंब्रा थाने रेलवे स्टेशन जाके उतारेगी। और ये कहना चाहता हूँ आपसे मैं, थाने के अलावा और भी किसी जगह पर बस सर देखिए कैसा है, सर देखिए इसके बहुत पहले ही हमने यहाँ से भिमंडी के लिए, यहाँ से मीरा रोड के लिए बस चालू करा दिया, मुंबई बीटी के लिए वो बस तो चली रही है सर, लेकिन ये जो बस है ये स्पेशल, ये इसको देखते हुए या मेगा ब्लॉक को देखते हुए ये चालू कराई गई है। मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का, जिन्होंने मुझे इसके लिए आदेश दिया था, हमारे सर यहाँ पे धात्रक जी मौजूद हैं, चेयरमैन साहब, व्यवस्थापक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मंत्री जी ने अगर ये पोस्ट दिया है तो मेरा काम है ज़मीन पर रह के काम करना, मैं तो एक चलने वाला हूँ बाइक पे, शहर के अंदर चलता फिरता रहता हूँ। इस्लामुद्दीन भाई सर यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको वीडियो भेजता रहता हूँ, सर देखिए यहाँ बस नहीं रुकी, आज जो कार्रवाई की गई उसमें कई सारे बसेस के जो बस चलती है अगर उस पर नेम प्लेट नहीं होगा, इंडिकेटर्स नहीं होंगे, तो आवाम को कैसा मालूम पड़ेगा कि हमें इस बस में जाना है, ये बस कहाँ जाएगी। ऐसे 4 बसेस को रोकी गई, 2 बस के अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई है, सर ने उस पर नंबर, नाम चालक का नाम नोट किया गया है, उस पर एक्शन होगा, और जो लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं आगे बस ड्राइवर टाइम पे आए ये भी उनसे मैं विनंती करता हूँ, नहीं तो उन पे भी कठोर एक्शन होगा।
कान जी, इस तरह से शमीम खान ने पिछले दिनों आंदोलन भी किया था, कुछ मांगी थी, उसमें मांग थी इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी मांग और बस स्टॉप जो है उसको लेकर, तो कहां तक आप लोग इनकी जो मांग है उसको पूरा करने में आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? शमीम खान साहब ने अभी पिछले मीटिंग में भी कमेटी के बात की थी इलेक्ट्रिक की बस के बारे में, जून तक तो आना चाहिए, अभी जून जुलाई तक बस आने की शुरुआत होगी इलेक्ट्रिक तो मुमरा के लिए। तो उन्होंने सरमन साहब को, हमारे सर ने रिक्वेस्ट कर दी कि पहला मुमरा के लिए, मुंबई के लिए कुछ बस चालू करो करके, उसके हिसाब से भी हो जाएगा। और बाकी तो रेगुलर बस चालू है, अभी मेगा ब्लॉक का जो है वो 36 घंटे के लिए वो मुमरा से और दीवा से गाड़ी चला जा रही है, मुमरा से 5 मिनट में बस है और दीवा से 10 मिनट में बस आएंगे। कुछ शिकायतें भी आ रही हैं जैसे इंडिकेटर नहीं लगा रहता बस में या स्टॉप, हाँ वो से इंडिकेटर जो भी बार बार शमीम खान इस मसले पर जो है यहाँ पर चेकिंग भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद, चेकिंग होने के बावजूद भी अगर ड्राइवर कंडक्टर की ये लापरवाही सामने आ रही है, इस पर आप लोग किस तरह? इसके लापरवाही के हम नोटिस भी लगा रहे हैं सभी के लिए और जो उसमें दोषी पाए हैं उनको हम मेमो भी दे रहे हैं। मैं इस्लामुद्दीन भाई ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से धात्रिक जी के बारे में कि सर आपका धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। आपने हमेशा जब भी मैंने मांग किया है, कोई भी काम का है, देखिए मैंने उनसे मांग किया था कि मुमरा राष्ट्रवादी दफ्तर के ऊपर 7 तारीख को यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन के लिए पास बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आवाम से, जो 60 ईयर्स अबाव लोग हैं उनके लिए कल यानी परसों से ही 6 तारीख से ही राष्ट्रवादी दफ्तर के ऊपर पास बनाने का काम चालू है, जिसमें आपको 50% देना है, यानी अगर 100 रुपये का किराया है तो आपको 50 रुपये देना है। ऐसे पास राष्ट्रवादी दफ्तर में बन रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं, उसके लिए भी सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब का, व्यवस्थापक साहब का, कि जब भी मैंने कोई आवाज़ मुमरा कलोबा दीवा के लिए रखी है, थाने के लिए रखी है, सर ने कोऑपरेट किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।